जन जन की भाषा हिंदी है, भारत की आशा हिंदी है, जिससे संपन्न संस्कृति हमारी, वह जीवन की परिभाषा हिंदी है, परिभाषा हिंदी है। नमस्कार, मैं अध्यापिका सुवर्णा नाजरे आप सभी छात्राओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कोई
अच्छा। जिससे जुड़ी है मेरी आशा, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो है मेरी अपनी हिंदी भाषा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित जन एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूर्णिमा सरपुत्र 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश की मातृभाषा गर्व से स्वीकारते हैं कि हम हिंदी भाषी है। अनेकता में एकता का स्वर हिंदी में माध्यम से गूंजता है। जीवन में भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है। एक भाषा ही हमने तहजीब का विकास करती है। इसी कारण सभी देशों की अपनी एक मूल भाषा होती है, जिसका सम्मान करना देशवासियों का कर्तव्य है। नमस्कार, हमारे नाटिका का नाम है लकड़हारा और मेरा पात्र है लकड़हारा। चलो आज इस पेट को हम काट ही लेंगे। आज हमारे रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई, मैं कैसे पेड़ काटूंगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? संस्कारों से सजी धजी है, सिर पर प्यारी न्यारी बिंदी है, इससे सुंदर नहीं है भाषा, सबसे प्यारी हिंदी है, सबसे प्यारी हिंदी है। हिंदी सप्ताह के तौर पर सभी छात्राओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। हिंदी एक हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है, हमारे मन में सवाल उठता है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों है, उसका एकमात्र कारण है, वह कौन सा है? तो वह कारण है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ऐसी है, यही राष्ट्रभाषा हम आसानी से बोल सकते हैं। इस भाषा में हम अपने विचार आसानी से प्रकट कर सकते हैं, हम अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हैं। इस अर्थ से हिंदी यह राष्ट्रभाषा कैसी है, सुलभ है। हिंदी की लिपि कैसी है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हम आसानी से हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, उच्चार कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी भाषा आसान है। भाषाओं का अपना अपना महत्व है, उसी प्रकार हिंदी भाषा का भी महत्व है। तो सभी दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी भाषा कैसी है, सुलभ है।
जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, छायावादी काल है और आधुनिक काल है। तो आदिकाल के कवि कौन से हैं? अमीर खुसरो है, आदिकाल के कवि है। भक्ति काल के कवि कौन से हैं? सूरदास है, तुलसीदास है। छायावादी प्रकार के काव्य जो है उसके कवि कौन से हैं? तो वे कवि है जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, निराला है, ये छायावादी काव्य। और आधुनिक काव्य कौन सा है? उसमें कौन कौन से कवि आते हैं? राधे राघव है, महत्वपूर्ण है, जैन है। तो ये क्या है? आधुनिक काल के कवि है। तो हिंदी भाषा का अध्ययन हम आसानी से करें इसीलिए हिंदी का चार खंडों में विभाजित किया है। आदिकाल के बीच जो व्यवहार होता है सुलभ हो इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। और शासकीय कारोबार भी हिंदी भाषा में आसानी से चल सकता है। भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया और उस भाषा को राजभाषा के रूप में क्या किया है? घोषित किया है। सन 1950 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और तभी से हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हो गई है। राष्ट्रभाषा के रूप में मतलब हिंदी दिन के रूप में हम क्या करते हैं? राष्ट्रभाषा को लेकर हिंदी दिन हम मनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी छात्राओं की मैं सराहना करती हूँ। धन्यवाद।